दोस्तों दुनिया में बहुत सी डिस्कवरीज प्री प्लान्ड और साइंटिफिक तरीके से होती हैं, लेकिन कुछ डिस्कवरीज ऐसी भी होती हैं जो महज एक एक्सीडेंट का रिजल्ट होती हैं, जिनके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है। आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी ही अनएक्सपेक्टेड और इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे, ऐसी डिस्कवरीज जो शायद आपके होश उड़ा देंगी। दोस्तों याद रहे, यूट्यूब हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें, तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि यूट्यूब के मुंह पे तमाचा लग सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, द फॉसिलाइज्ड एलियन। एक बुजुर्ग महिला तमारा वसीलिवना प्रोस्वेरिना द्वारा पाया गया एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट, जिसे तमारा कोई आम चीज नहीं बल्कि अपना बच्चा समझती थी। उस छोटे से ह्यूमन फीटस से तमारा को इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि उन्होंने उसका नामकरण भी कर दिया था। एलोशेनका नाम के इस असाधारण से देखने वाले फीटस के बारे में बहुत सी कहानियों और अफवाहों ने जन्म ले लिया था। जिन लोगों ने एलोशेनका को देखा, उन्होंने इसे 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा इंसान जैसा दिखने वाला बताया। पूरा शरीर, कोई बाल नहीं, बड़ी उभरी हुई आंखें, उसके छोटे हिलते हुए होंठ, चीखती आवाजें। दरअसल एलोशेनका कैसा दिखता है, इस बात को लेकर वहां के स्थानीय लोगों के अलग अलग विचार थे, लेकिन उन सभी लोगों के बीच एक सामान्य विचार भी था, और वो ये था कि एलोशेंका एक असली एलियन की तरह दिखता था। नंबर 2, द ब्लैक स्वान प्रोजेक्ट। ओडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन, जो फ्लोरिडा की कंपनी है, उसने ब्लैक स्वान प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। ये एक कामयाब एक्सप्लोरेशन रहा। इस एक्सप्लोरेशन में सोने और चांदी के सिक्कों की खोज हुई, जिनका वजन लगभग 17 टन था। ब्लैक स्वान प्रोजेक्ट के तहत इतिहास के सबसे अमीर जहाज और उसमें मौजूद खजाने को बरामद किया गया था। न्यूएस्ट्रा सेनोरा दे मोसिडीज एक स्पेनिश शिप थी, जिसको 2007 में ओडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन ने अटलांटिक ओशन के गहराइयों से बरामद किया था। उस जहाज में भारी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को भी बरामद किया गया। ओडिसी ने लगभग 50,000 सोने और चांदी के सिक्के अमेरिका को भेज दिए थे। चूंकि ओडिसी एक US बेस्ड आर्कियोलॉजिकल यूनिट है, और क्योंकि ये एक स्पेनिश जहाज है, इसलिए स्पेन की सरकार ने दावा किया कि वो इस खजाने के असली मालिक है, और इस आर्कियोलॉजिकल यूनिट पे लॉ सूट फाइल किया गया। ये केस लगभग 5 साल तक चला, और फिर अमेरिका की सरकार ने माना कि स्पेन की सरकार ही इस खजाने की सही मालिक है, और सोना वापस स्पेन भेज दिया गया। स्पेन की सरकार ने इसको एक कल्चरल ट्रेजर के रूप में म्यूजियम में जगह दे दी। नंबर 3, एंशियंट मायान म्यूरल। माया सभ्यता अपनी ही सदी की कई दूसरी सभ्यताओं की तरह ही अपर क्लास के जीवन और उनकी गतिविधियों के निशान छोड़ जाती है। हाल ही में हुई खुदाई के दौरान हमें माया सभ्यता से जुड़े कई रहस्यों के बारे में पता चला। मायान म्यूरल यानी कि माया सभ्यता से जुड़ी दीवार पर बनी एक पेंटिंग की खोज की गई। इस पेंटिंग में हमें माया सभ्यता से जुड़े कुछ रेयर और बहुत ही खूबसूरत नजारे देखने को मिले। दरअसल मेक्सिको के कैलाकुलम की पुरानी माया साइट ग्वाटेमाला के साथ सीमा के पास में एक पिरामिड टीले के ढांचे की खुदाई के दौरान म्यूरल्स सामने आए थे। इस पिरामिड की एक दीवार की कुछ परतों के नीचे हमें ये प्राचीन म्यूरल्स मिले। इस म्यूरल, या फिर यूं कहें कि इस पेंटिंग में हमें माया सिविलाइजेशन के लोगों और उनके रोजमर्रा की जिंदगी, जैसे कि खाना पकाना, खेल कूद के बारे में देखने को मिलता है। नंबर 4, द ज़ार स्टैच्यू। सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद अपने समय के मशहूर रूलर निकोलस I का स्टैच्यू किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं है। यह स्टैच्यू कोई आम मूर्ति नहीं है, यह कांस घुड़सवार का स्टैच्यू है। फ्रेंच मूर्तिकार ऑगस्टे डे मोंटफेरंट द्वारा बनाई गई यह 6 मीटर की मूर्ति अपने निर्माण के समय एक तकनीकी आश्चर्य मानी जाती थी। ये केवल 2 सपोर्ट पॉइंट्स के साथ खड़ी है, जो कि घोड़े के पिछले पैर हैं। दुनिया में ऐसी मूर्तियां बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, इसलिए मूर्ति अपने आप में एक अजूबे से कम नहीं थी। नंबर 5, रॉकवेल्स बिहाइंड द वॉल। हमारे लिस्ट में अगली खोज किसी खजाने या स्टैच्यू की नहीं बल्कि एक पेंटिंग की है। जी हाँ दोस्तों, ये पेंटिंग मशहूर कलाकार नॉर्मन रॉकवेल के द्वारा बनाई हुई सबसे फेमस पेंटिंग्स में से एक थी। इस पेंटिंग को उसके खरीदार, या यूं कहें कि उस पेंटिंग के मालिक ने अपने घर में एक नकली दीवार के पीछे छिपाया हुआ था। काफी इन्वेस्टिगेशंस के बाद इस मूर्ति के पीछे की सच्चाई सामने आई। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि मालिक इलस्ट्रेटर डोनाल्ड ट्रेच सीनियर ने 1970 के दशक की शुरुआत में रॉकवेल से इस पेंटिंग को खरीदा था, जिसका नाम ब्रेकिंग होम टाइज था। खरीदने के बाद उसने इस पेंटिंग की कॉपी बनाई और असली पेंटिंग को दीवार के पीछे छिपा दिया। आपको बताएं, इस पेंटिंग ने अपनी नीलामी के वक्त सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। नॉर्मन के करियर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेंटिंग को लगभग $15.4 मिलियन में बेचा गया था। 25 अगस्त 1954 को मशहूर मैगजीन दी इवनिंग पोस्ट के कवर पे ब्रेकिंग होम टाइज की फोटो ने तहलका मचा दिया था। उस मैगजीन के इतिहास में यह दूसरा सबसे लोकप्रिय कवर माना गया था। नंबर 6, वीनस डी मिलो। वीनस डी मिलो की खोज 1820 में दक्षिण पश्चिमी साइक्सिस में मलोस द्वीप पे की गई थी।
8 अप्रैल 1820 को यूरोस कंट्रोट्स नाम के एक किसान ने मिलोस द्वीप के एक प्राचीन शहर के खंडहरों के भीतर इस मूर्ति के टुकड़े को पाया था। इस मूर्ति की सुंदरता को देखकर मार्कस डी रिवेरा इस पे मोहित हो गए और उन्होंने इस किसान से ये मूर्ति लेकर अपने राजा लुई दी 18th को गिफ्ट कर दी। लुई दी 18th ने अगले साल ही इस आकर्षक मूर्ति को लुवेर म्यूजियम को दान कर दिया। उस स्टैच्यू को लोगों ने बहुत पसंद किया और देखते ही देखते ये फेमस स्टैच्यूज की लिस्ट में आ गया। संगमरमर से बने इस मूर्ति की खूबसूरती के दुनिया भर में लोग दीवाने हैं। नंबर 7, प्रीहिस्टोरिक आर्मेडिलो शेल्स। हाल ही में लगभग 20,000 साल पहले पृथ्वी पर घूमने वाले प्राचीन आर्मेडिलोस के रेस्टिंग पैलेस को अर्जेंटीना में खोजा गया है। इन आर्मेडिलो शेल्स की खोज एक आम किसान ने की थी। वह दरअसल यू की जुआन डी डायोस नाम का एक किसान नदी किनारे अपनी गायों को चराने ले जा रहा था। तभी उसने उस सूखी नदी में दो अजीब सी दिखने वाली आकृतियां देखी। जब उसने पास जाकर उसकी जांच की तो पाया कि इसमें 4 बड़े पैमाने पर ग्लाइप्टोडोन के फॉसिलाइज्ड शेल्स थे, जिसमें सबसे बड़ा शेल फोक्सवैगन बीटल के आकार का था। प्योनोसायस के पास एक सूखी हुई नदी के किनारे में इन फॉसिल्स की खोज एक चौंका देने वाली घटना थी। रिसर्चर्स का मानना है कि इन शेल्स में 2 अडल्ट और 2 युवा आर्मेडिलो के शेल्स शामिल हैं। नंबर 8, $4 million क्वार्ट्ज। हमारी इस लिस्ट में स्टैच्यू और सोने और चांदी के खजानों के साथ साथ एक मिनरल कंपाउंड ने भी जगह बना ली है। मिसिसिपी नदी के किनारे बसा आर्किनसास दक्षिणी अमेरिकी राज्य है। यह राज्य अपने जंगल, पहाड़, गुफाओं, नदियों और गर्म झरनों के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ ये राज्य अपने कीमती क्वार्ट्ज के लिए भी मशहूर है। आर्किनसास की मशहूर माइनिंग साइट में काम कर रहे एम्प्लॉय रॉन कोलमैन और उनके बेटे जॉश कोलमैन को जेसेविले की एक खदान में खुदाई करते समय 8 2000 पाउंड का क्रिस्टल मिला। ये कोई आम क्रिस्टल नहीं बल्कि बहुत ही कीमती और बेमिसाल क्वार्ट्ज क्रिस्टल था। इस क्रिस्टल की कीमत लगभग $3.5 million बताई जाती है। नंबर 9, द विच बॉटल। जेड ब्लू कलर और लंबाई में 0.5 फुट से भी कम यह बॉटल कोई आम बॉटल नहीं है। वर्जीनिया की बिजी स्ट्रीट में मिली ये विच बॉटल आर्कियोलॉजिस्ट विलियम एंड मैरी ने खोजी थी। ये बात है साल 2016 की, जब विलियम और मैरी वर्जीनिया की एक बिजी लेन के बीच खुदाई कर रहे थे तो नाखूनों से भरी एक टूटी बॉटल के सुराख मिले। ये बोतलें आमतौर पर ह्यूमन यूरिन, बाल या नाखूनों की कतरन और पेन या कांटे जैसी तेज और नुकीली चीजों से भरी हुई होती थी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी चीजें भला एक बॉटल में क्यों मिली। दरअसल वर्जीनिया के लोगों का ऐसा मानना था कि इन चीजों को सिर्फ एक ही लक्ष्य से बॉटल के अंदर रखा जाता है और वो है आत्माओं को लुभाना। ये डिस्कवरी काफी रोचक और भयानक मालूम पड़ती है। इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में हिस्टोरिकल सोर्सेज में भी इनका जिक्र किया गया है। इन विच बॉटल्स का पहला जिक्र इंग्लैंड के इतिहास में 17वीं शताब्दी में दिखाई देता है। नंबर 10, बैरिड फरारी डीनो। इले के घर के बैकयार्ड में मिली दफन डीनो 246 GTS। इस दफन फरारी की कहानी बहुत ही रोमांचक है। दरअसल कुछ बच्चे अपने घर के बैकयार्ड में मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें सतह के नीचे कुछ अनयूजुअल लगा। उन्होंने कार की छत को महसूस किया था। 2 इन्वेस्टिगेटर्स और एक स्किप लोडर की मदद से वहां खुदाई की गई। खुदाई के बाद जो नजारा देखने को मिला उसे देखकर सब हैरान थे। ये कोई मामूली खोज नहीं थी। वहां हरे रंग की एक फरारी थी जिसकी कीमत कम से कम $18,000 थी। यह फरारी वहां पे कैसे दफन हुई ये एक रहस्य ही बना रहा। हालांकि काफी जांच के बाद यह पता चला कि कार को अक्टूबर 1974 में अल्हम्ब्रा के रोसेंडो क्रूज नाम के व्यक्ति ने खरीदा था। 2 महीने बाद 7 दिसंबर को क्रूज ने कार चोरी होने की FIR भी दर्ज करवाई थी। न तो वर्तमान किरायेदारों और न ही घर के मालिकों को इस फरारी के बारे में कुछ पता था, इसलिए दफन फरारी का मामला एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।